हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि व्हाट इज अकाउंट्स, ये अकाउंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे अकाउंट्स के बारे में और फिर हम खुद ही डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज अकाउंट। आइए देखते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स तीन तरीके के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम से ही लग रहा है किसके बारे में बात हो रही होगी, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही होगी। अब इस पर्सन को भी हम क्या करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका नेचुरल पर्सन। हम आप क्या हैं? नेचुरल पर्सन है, जो देख सकता है, सुन सकता है, चल सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सन। यानी जब भी किसी पर्सन का नाम आएगा, समझ जाना वो कौन से अकाउंट है, नेचुरल पर्सन अकाउंट है। ठीक है ना? जैसे राम, मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, आप, मैं, ये सब के सब क्या है, नेचुरल पर्सन है। यानी जब भी किसी पर्सन का नाम आएगा, समझ जाना वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में कौन सा पर्सन, नेचुरल पर्सन की बात हो रही है। क्लियर है ना? नेचुरल पर्सन जो देख सकता है, सुन सकता है, चल सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पर्सन बोलते हैं। राम, मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, मैं, आप, ये सब के सब क्या है, नेचुरल पर्सन है। आइए देखते हैं सेकेंड क्या लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल पर्सन, जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन आपसे लोन ले सकता है, आपको लोन दे सकता है, आपसे गुड्स परचेज कर सकता है, आपको गुड्स सेल कर सकता है, आपके ऊपर केस कर सकता है, आप भी इसके ऊपर केस कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपने किस स्कूल में एडमिशन लिया है, अगर उस स्कूल को आप फीस पे करते हो और अगर वो स्कूल आपको नहीं पढ़ाता, तो आप केस किस पर करोगे, प्रिंसिपल पर या फिर स्कूल पर? आपके पास रसीद किसके नाम की है, स्कूल की नाम की है, आप किस पर केस करोगे, स्कूल पर केस करोगे। अब बताओ, क्या ये स्कूल नेचुरल पर्सन है क्या? नहीं, ये कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपका पापा का जो बैंक अकाउंट है वो आपका ICICI बैंक में है, ICICI बैंक में। अगर कल को ये बैंक पैसा देने से मना करता है, आप केस किस पर करोगे, ICICI बैंक पर करोगे। तो क्या ये नेचुरल पर्सन है क्या? नहीं, ये कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन आपसे पैसे ले सकता है, आपको पैसे दे सकता है। आपने मुझे एडवांस पैसा पे किया है, आपके पास रिसिप्ट किसके नाम की है, एड्रॉइड के नाम की है। कल को अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप केस किस पर करोगे, एड्रॉइड पर करोगे। तो क्या एड्रॉइड नेचुरल पर्सन है क्या? नहीं, कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आपने एक शर्ट खरीदा पीटर इंग्लैंड से, आपने एक शर्ट खरीदा पीटर इंग्लैंड से और कल को वो शर्ट एक धुलाई के बाद फेडअप हो जाए उसका कलर, तो आप केस किस पर करोगे, पीटर इंग्लैंड पर करोगे। तो क्या ये पीटर इंग्लैंड नेचुरल पर्सन है क्या? नहीं, कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो समझ में आ गई बात ना, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन आपको सेल कर सकते हैं, आपसे पैसे ले सकते हैं, आपको पैसे दे सकते हैं। ठीक ना? तो ये सब के सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। एग्जाम्पल क्या होगा, स्कूल, कॉलेज, बैंक, जितने भी कंपनी हैं, जितने भी शॉप हैं,
ये सब के सब क्या है, आपके आर्टिफिशियल पर्सन है। ये देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन अपने नाम से आपको पढ़ा सकते हैं, अपने नाम से आपको गुड सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, अपने नाम से पैसा ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं। क्लियर है ना? तो पहला क्या था आपका, नेचुरल पर्सन। सेकेंड क्या था आपका, आर्टिफिशियल पर्सन। अब थर्ड की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर कोई वर्ड किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर से बात करते हैं, अगर कोई वर्ड किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आपको मैं एग्जांपल लेता हूं कि ऑनर बिजनेस में जो कंट्रीब्यूट करता है, ऑनर बिजनेस में जो कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट मतलब इन्वेस्टमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ऑनर बिजनेस में जो कंट्रीब्यूट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अगर मैं ये बोलूं किसी बिजनेस में कैपिटल कितना लगा हुआ है, 5 लाख रुपीस, तो आपके माइंड में क्या आता है कि ऑनर ने कंट्रीब्यूट कितना किया है, इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 5 लाख रुपीस। जैसे ही मैंने वर्ड बोला कैपिटल, आपके माइंड में क्या आ रहा है, ऑनर ने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है। और मैंने भी यही कहा था ना, अगर कोई वर्ड किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट बोलते हैं। जरा ध्यान देखिएगा, ये जो कैपिटल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर को। ऑनर क्या हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। हो सकता है मुकेश अंबानी ने पैसे लगाए हों, हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पैसे लगाए हों। तो मेरी बात सुनो, अगर कोई वर्ड किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट बोलते हैं। तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा, कौन से अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट है। सेम वही चीज, अगर ऑनर बिजनेस से पैसा क्या करता है, विथड्रॉल करता है, पैसा क्या करता है, विथड्रॉल करता है, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। अगर ऑनर बिजनेस से कैश विड्रॉल करता है, गुड्स विड्रॉल करता है, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। अगर मैं ये बोलूं बिजनेस से ड्राइंग 1 लाख रुपीज का है, तो आपके माइंड में क्या आता है, आपके माइंड में यही आता है कि लगता है ऑनर ने कितने पैसे निकाले हैं, 1 लाख रुपीज निकाले हैं। जैसे ही मैंने वर्ड बोला ड्राइंग, आपके माइंड में क्या आ रहा है, ऑनर। और मैंने भी तो यही कहा था, अगर कोई वर्ड किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो क्लियर है ना, ये जो कैपिटल है और ड्राइंग है, ये कौन से अकाउंट होंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे, क्योंकि ये किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑनर ने कितना पैसा विड्रॉल किया है बिजनेस से, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। अब बात करते हैं, एक वर्ड होता है प्रीपेड। एक वर्ड होता है क्या, प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है, अगर आपने किसी पर्सन को एडवांस पे कर रखा है, काम के पहले ही आपने उसे क्या पे कर रखा है, एडवांस पे करा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड बोलते हैं। जैसे आपने मुझे पे किया 10,000 रुपीज, जैसे आपने मुझे क्या पे किया, 10,000 रुपीज एडवांस दिया, काम के पहले आपने पे किया। तो ये पैसा भले ही मेरे पास है, लेकिन पैसा है किसका, आपका है। पैसा किसका है, आपका। ए ने मुझे एडवांस पे किया था, ये पैसा भले ही मेरे हाथ में है, लेकिन ये पैसा है किसका, ए का है। अगर मैं ए को ना पढ़ाऊं तो मुझे पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ये पैसा मुझे मिला जरूर है, लेकिन ये मेरे लिए इनकम नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। अगर मैं ना पढ़ाऊं तो मुझे ये पैसा वापस करना पड़ेगा। इट मीन्स ये पैसा भले ही मेरे पास है, लेकिन ये पैसा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए का। ए का पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। और मैंने भी तो यही कहा था, अगर कोई वर्ड किसी पर्सन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो प्रीपेड भी कौन सा अकाउंट होगा,
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक वर्ड होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अब ये क्या होता है, मैंने किसी से काम करा लिया लेकिन मैंने उसे पैसा नहीं दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग यानी बकाया। मान लेते हैं एक कंज्यूमर है और जो बी है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ए ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया और बिल कितना आया, 2000 रुपीज। ये बिल कब पे करेगा, ए पे करेगा बी को 1 मंथ बाद। कितने मंथ बाद पे करेगा, 1 मंथ बाद। अब जरा ध्यान देना, ए ने तो बिजली कंज्यूम कर लिया लेकिन पैसा देना बाकी है, इसी को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, ए किसको पे करेगा, बी को पे करेगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, बी ए से क्या करता है, डिमांड करता है। तो ये जो वर्ड है ना, किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इस पर्सन को पे करना है, इस पर्सन से मांगना है। और मैंने भी तो यही कहा था, अगर कोई वर्ड किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे ये 2000 रुपीज हम किससे मांगते हैं, ए से। ये 2000 रुपीज हमें किसको देना है, बी को देना है। यानी ये आउटस्टैंडिंग वर्ड किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये भी क्या होगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। क्लियर है ना। कैपिटल, ड्रॉइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये किसी न किसी पर्सन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऑनर ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, ऑनर ने इतना पैसा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाला है। आउटस्टैंडिंग, मुझे किसी को देना है। प्रीपेड, मैंने किसी से एडवांस लिया है। ये सारे के सारे वर्ड किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए कौन सा अकाउंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, ए गया बी के पास, बी से उसने क्या किया, कुछ गुड्स परचेज किया। अब ए के पास पैसे नहीं है, ए ने बी को बोला मैं अमाउंट पे करूंगा आपको 2 मंथ बाद। बी ने कहा ठीक है। बी ने कागज़ लिया और कागज़ पर लिख दिया कि ए बी को पे करेगा 2 मंथ बाद। ए ने उस पर साइन कर दिया, एक कागज़ ए के पास रह गया और उसका कॉपी बी के पास रह गया। ए के पास जो कागज़ है ना वो बिल्स पेबल है, क्योंकि उसे बिल का पेमेंट करना है, और बी के पास जो कागज़ है ना वो बिल्स रिसीवेबल है, क्योंकि बी को पैसा क्या होगा, रिसीव होगा। ये दोनों कागज़ के टुकड़े किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्स पेबल, ये पैसा किसको देना है, बी को देना है। बिल्स रिसीवेबल, ये पैसा किससे लेना है, ए से लेना है। ये दोनों कागज़ के टुकड़े किसी न किसी पर्सन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये भी कौन सा अकाउंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। क्लियर है ना, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ, आप मेरे पास आए और आपने मुझसे क्या किया, 5 लाख रुपीज़ का गुड्स क्या किया, परचेज किया। आप ये बोल रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक बिल बनाया, बिल पर आपका नाम लिखा और बोला आप इस पर साइन कर दो। आपने उस पर क्या किया, साइन कर दिया। उसकी एक कॉपी आपके पास है, एक कॉपी मेरे पास है। जो कॉपी आपके पास है वो क्या है, बिल्स पेबल है, क्योंकि आपको बिल का पेमेंट करना है, और जो कॉपी मेरे पास है वो बिल्स रिसीवेबल है, क्योंकि मुझे बिल का पेमेंट क्या होगा, रिसीव होगा। क्लियर है ना। तो ये पैसा मैं आपसे मांगता हूँ, ये पैसा आपको मुझे देना है। दोनों कागज के टुकड़े किसी न किसी पर्सन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों के दोनों क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं अपने डेटर्स, जिनको हम उधार माल बेचते हैं, जिनको हम ऑन क्रेडिट गुड्स सेल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। तो डेटर से हम क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं। और मैंने भी यही कहा था ना, अगर कोई वर्ड किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये वर्ड क्या हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। अगर मैंने किसको बेचा है, मुकेश अंबानी को बेचा है, और अगर मैंने ये गुड्स किसको बेचा है, रिलायंस इंडस्ट्री को बेचा है, तो वहाँ पर क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये जो डेटर है ना, दोनों को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल पर्सन को भी और किसको,
आर्टिफिशियल पर्सन को किस बात के लिए रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैंने इनको कोई गुड्स सेल किया है, वो भी कैसे ऑन क्रेडिट। तो याद रखना, हम किसी को जो उधार बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर, और जिनसे हम उधार परचेज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। क्लियर है ना, जिनको हम उधार बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, डेटर, जिनसे हम उधार खरीदते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो हमने जिनको बेचा है हम उनसे पैसे मांगते हैं, ठीक ना, जिनको हम जिनसे हमने क्या किया है, उधार परचेज किया है, हम उन्हें पैसा क्या करेंगे, देंगे। तो ये दोनों के दोनों वर्ड किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, उस व्यक्ति से पैसा मांगना है, उस कंपनी से पैसे मांगने हैं, उस फर्म से पैसे मांगने हैं। तो डेटर क्या करता है, किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिटर भी क्या होता है, किसी न किसी पर्सन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। तो ये सारे के सारे वर्ड कैपिटल पता है ना, फिर से बात करते हैं, ऑनर ने क्या कंट्रीब्यूट किया, रिप्रेजेंट कौन करता है, कैपिटल। ऑनर ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो कैश निकाला है, जो गुड्स निकाला, उसे रिप्रेजेंट कौन करता है, ड्रॉइंग। आउटस्टैंडिंग, काम हो गया लेकिन पैसा बाकी है, तो ये भी किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उस व्यक्ति को पैसा देना बाकी है। प्रीपेड, मैंने किसी को एडवांस पे कर रखा है, वो पैसा भले ही उसके पास है लेकिन वो पैसा है किसका, मेरा। या फिर मैंने किसी से एडवांस लिया है, पैसा भले ही मेरे पास है लेकिन वो पैसा किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उस पर्सन ने मुझे एडवांस दिया है। सेम वैसे ही बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इस कागज़ का पैसा मुझे पे करना है, इस बिल का पैसा मुझे पे करना है किसी पर्सन को। बिल रिसीवेबल, ये पैसा मुझे क्या करना है, रिसीव करना है किसी से। तो ये सारे के सारे वर्ड किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इस लिंक को हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर से क्लियर करते हैं, पहला क्या था आपका, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मीन्स जो देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकते, जैसे राम, श्याम, रीता, गीता, हम, आप, ये सब के सब क्या है, नेचुरल पर्सन। सेकंड किसकी बात करेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन की बात कर सकते हैं, जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन आपसे लोन ले सकता है, आपको लोन दे सकता है, आपसे परचेज कर सकता है, आपके ऊपर केस कर सकता है, आप भी उसके ऊपर केस कर सकते, जैसे स्कूल, कॉलेज, अगर आपने यहाँ फीस पे किया और कल को पढ़ाई ना हो तो आप केस किस पर करोगे, रसीद किसके नाम पर, स्कूल के नाम पर। केस किस पर करोगे, स्कूल पर करोगे। सेम वैसे ही आपके पापा का जो अकाउंट है वो SBI में, कल को अगर SBI देने से मना कर दे पैसा, पापा केस किस पर करेंगे, SBI पर। SBI क्या नेचुरल पर्सन है क्या, नहीं, कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। सेम वैसे ही अगर आपने कोई दुकान से कोई शर्ट परचेज किया है, अगर वो शर्ट एक दिन बाद धुलाई में क्या हो जाए, फेडअप हो जाए उसका कलर, तो आप केस किस पर करोगे, उस दुकान पर करोगे, क्योंकि रसीद किसके नाम पर, उस दुकान के नाम पर है। तो जितने भी शॉप हैं, जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी आपके बैंक है, स्कूल, कॉलेज, ये सब के सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन अपने नाम से आपको लोन दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आप इनके ऊपर केस कर सकते हो, वो भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं। लास्ट क्या था आपका, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर कोई वर्ड किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। एग्जाम्पल मैंने बताया था ना, ऑनर जो बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ऑनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। आउटस्टैंडिंग, काम हो गया लेकिन पैसा देना बाकी है, ये भी किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उस व्यक्ति से पैसा लेना बाकी है, उस व्यक्ति को पैसा देना बाकी है। प्रीपेड, अगर आपने किसी से एडवांस ले रखा है, भले ही वो पैसा आपके पास है लेकिन वो पैसा किसी न किसी पर्सन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये भी कौन सा अकाउंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। बिल्स पेबल, यानी बिल का पैसा देना है किसी पर्सन को। बिल्स रिसीवेबल, किसी पर्सन से हमें बिल का पैसा लेना है। डेटर, क्रेडिटर, मैंने किसी पर्सन को उधार बेचा है, वो पर्सन क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल, वो पर्सन क्या हो सकता है, नेचुरल, ठीक ना। अगर हमें नाम पता है, अगर मुकेश अंबानी है तो क्या होगा, नेचुरल पर्सन। अगर रिलायंस इंडस्ट्री है तो क्या होगा आपका, ये आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन हमें नाम नहीं पता, सिर्फ डेटर पता है, तो डेटर तो किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो। तो डेटर कौन सा होगा आपका, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। सेम वैसे ही क्रेडिटर, जिनसे हमने क्या किया, उधार माल खरीदा, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, और जिनको मैंने उधार माल बेचा उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर। ये सब के सब क्या है, किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कौन सा अकाउंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं सेकेंड, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या होगा, नाम से लगता है रियल,
किसी रियल चीज की बात हो रही है। इसको भी हम दो भाग में बांटते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक ना। जैसे आप कहीं जाते हो किसी इंडस्ट्री में, किसी दुकान में क्या दिखता है? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, कैश, स्टॉक, ये सब के सब क्या आपके टेंजिबल है, ठीक ना। सेकेंड बात करते हैं, इनटेंजिबल की बात करते हैं। इनटेंजिबल जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसका यूज होता है। मान लेते हैं मुकेश अंबानी बैंक से लोन लेने जाएंगे, बैंक उन्हें तुरंत लोन दे देगा। मैं जाऊंगा बैंक से लोन लेने, बैंक आनाकानी करेगा। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी को लोग जानते हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी है। लेकिन कोई बोले उस रेपुटेशन को आप दिखाओ, तो रेपुटेशन को आप दिखा सकते हो क्या? नहीं, रेपुटेशन को आप दिखा नहीं सकते, क्लियर है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं, ठीक ना। आप जहाँ पर हो, आपका जहाँ घर है, वहाँ आसपास क्या है? दुकान है। उस दुकान से आप जाओगे गुड्स लेने के लिए उधार, तो आपको मिल जाएगा। मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या होगा? मुझे नहीं मिलेगा। ये क्या है? आपकी एक रेपुटेशन है, आपकी एक गुडविल है, आपको लोग जानते हैं, उसके ब्याह पर आपको 1000-2000 का सामान मिल जाता है। लेकिन मैं वहाँ गुड्स लेने जाऊँ, मुझे वहाँ उधार नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बोलूँ उस चीज़ को आप दिखाओ, उस रेपुटेशन को आप यहाँ दिखाओ, गुडविल आप दिखा नहीं सकते, लेकिन गुडविल से काम होता है। लोग आपको जानते हैं तो आपको टेंजिबल दिखता नहीं है, लेकिन इसका यूज होता है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, कॉपीराइट। लता मंगेशकर ने गाना गाया, सीडी उनकी मेरे पास भी है और आपके पास भी है, लेकिन क्या हम उस सीडी की कॉपी कर सकते हैं क्या? नहीं, हम उस सीडी की कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलीगल है, पायरेसी हो जाएगा। मैंने लता मंगेशकर को क्या किया? 500 रुपये पे किया, ठीक ना, और मैंने उनसे क्या किया? सीडी की कॉपी करने की राइट ले ली। अब देखो कीमत सीडी की नहीं है, सीडी तो मेरे पास भी है, सीडी आपके पास भी है, कीमत किसकी है? उसकी कॉपी करने की राइट की है। उस राइट को आप यूज कर सकते हो, लेकिन दिखा नहीं सकते, इसलिए क्या हो गया? ये इनटेंजिबल हो गया। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं आपको, मैं जूते बनाता हूँ, क्या वो जूते मार्केट में इजिली बिक जाएंगे क्या? नहीं। लेकिन आप सोचो अगर उस जूते पर ओडलिंग कंपनी का मुहर लग जाए तो क्या हो जाएगा? बिक जाएगा। मैंने ओडलिंग कंपनी को 500 रुपये पे किया और मैंने ये राइट परचेज किया कि मैं उनका ट्रेडमार्क यूज करूंगा। कीमत ट्रेडमार्क की नहीं है, कीमत ट्रेडमार्क की यूज करने की राइट की है, और मैंने कहा ना राइट को आप यूज कर सकते हो लेकिन दिखा नहीं सकते। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंशन किया और मैंने उस टेक्नोलॉजी को अपने नाम से पेटेंट करा लिया। अगर आप इस टेक्निक को यूज करोगे तो आपको मुझे देना क्या पड़ेगा? रॉयल्टी, ठीक ना। लेकिन कीमत क्या है? उस टेक्निक की नहीं है, कीमत उस टेक्निक की यूज करने की राइट की है, और राइट को आप दिखा नहीं सकते। तो ये सारी चीज क्या है? ये जो गुडविल है, पेटेंट है, ये ट्रेडमार्क है, ये कॉपीराइट है, इन सबको आप यूज कर सकते हो लेकिन आप इनको दिखा नहीं सकते, इसलिए क्या होंगे? ये इनटेंजिबल कहे जाते हैं। तो क्लियर है ना। रियल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक क्या होता है टेंजिबल, एक क्या होता है आपका इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कैश, स्टॉक। इनटेंजिबल जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन ये भी काम की चीज़ें होती हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अब लास्ट बात करते हैं, नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं, जितने भी इनकम होते हैं, जितने भी गेन होते हैं, वो सब के सब क्या होंगे? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जैसे आप सैलरी पे करते हो तो आपके लिए एक्सपेंस है, सैलरी रिसीव करते हो तो आपके लिए इनकम है, कमीशन पे करते हो आपके लिए एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव करते हो आपके लिए इनकम है, रेंट आप पे करते हो आपके लिए एक्सपेंस है, रेंट आप रिसीव करते हो आपके लिए क्या? इनकम है, क्लियर है ना। अब बात ये है कि एक्सपेंस और लॉस में क्या अंतर होता है, ठीक ना। एक्सपेंस के बदले कुछ ना कुछ आता है, लॉस के बदले कुछ आता नहीं है। एक्सपेंस जानबूझ के किया जाता है, लॉस अनजाने में हो जाता है। मान लेते हैं मैंने आपको 100 रुपीज़ दिया और क्या बोला कि आप इसके समोसे खा लो। आप दुकान पर गए और 100 रुपये के समोसे खाएं और आपने खा लिया, ये एक्सपेंस है, और बदले में क्या हो गया? आपका पेट भर गया। लेकिन आप समोसे खाने ही वाले थे तब तक एक साइकिल वाला आया और आपके ऊपर गिर गया। ऐसा करने से क्या हो गया? पूरे समोसे रास्ते में गिर गए। अब देखो ये अनजाने में हुआ और इसके बदले कुछ आया नहीं। तो याद रखना, एक्सपेंस जानबूझ के किया जाता है, लॉस अनजाने में हो जाता है। एक्सपेंस के बदले कुछ ना कुछ आता है, लॉस के बदले कुछ आता नहीं है, क्लियर है ना। इसमें क्या क्या बातें आती हैं? सभी के सभी एक्सपेंस आते हैं,
लॉस आते हैं, इनकम आता है, गेन आता है। एग्जांपल भी है, आप सैलरी पे करते हो, रेंट पे करते हो, डिस्काउंट देते हो, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, मेरी बात सुनो। आपको याद है मैंने कहा था जिनको आप उधार बेचते हो उनको क्या बोलते हैं, डेटर। जिनको आप उधार बेचते हो उनको क्या बोलते हो, डेटर। अगर उस डेटर का पैसा क्या हो जाता है, डूब जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। मान लो जिनको उधार बेचा वो डेथ कर जाए या वो कहीं चला जाए, उसका हमें एड्रेस नहीं मिल पाया, तो पैसा क्या हो जाता है, डूब जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। सेम वैसे ही कमीशन रिसीव आपके लिए इनकम है, रेंट रिसीव आपके लिए इनकम है, डिस्काउंट रिसीव आपके लिए क्या है, इनकम है। अब मेरी बात सुनो, जितने भी अकाउंट होते हैं, ठीक ना, जितने भी अकाउंट होते हैं उन सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। उस रूल्स को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स बोलते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे यानी जितने भी लेन देन होंगे, उसकी जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम रिकॉर्डिंग करते समय दो बातों को ध्यान देते हैं, किसको हमें रिकॉर्ड करना है डीआर साइड और किसको हमें रिकॉर्ड करना है सीआर साइड। हम बात करेंगे ये डीआर साइड और ये सीआर साइड क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में। पहली बात हम ये बता रहे हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उनको हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं, तो किसी न किसी को हम रिकॉर्डिंग करते हैं डीआर साइड में और किसी न किसी को हम रिकॉर्डिंग करते हैं सीआर साइड में। अब बात यह है कि किससे हम रिकॉर्डिंग करेंगे डीआर साइड में और किससे हम रिकॉर्डिंग करेंगे सीआर साइड में। इसके लिए क्या बना हुआ है, गोल्डन रूल्स बना हुआ है सभी अकाउंट का। आइए देखते हैं वो कौन कौन से अकाउंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पर्सन या तो क्या होगा, रिसीवर होगा या फिर क्या होगा, गिवर होगा। याद रखना, रिसीवर हमेशा क्या होता है डीआर और गिवर हमेशा क्या होता है सीआर। याद रखिए बात ना, रिसीवर क्या होता है डीआर और गिवर क्या होता है सीआर। सेकेंड अकाउंट होता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होगा, वस्तु होगा। वस्तु या तो क्या होगी, आएगी या फिर क्या होगी, जाएगी। जो आता है वो क्या होता है डीआर, जो जाता है वो क्या होता है सीआर। नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसमें तो क्या बात हुई थी, इसमें क्या होता है, एक्सपेंस और लॉस होता है और क्या होता है आपका, इनकम और गेन होता है। तो एक्सपेंस और लॉस हमेशा क्या होंगे डीआर, इनकम गेन हमेशा क्या होगा सीआर। क्लियर है ना, फिर से मेरी बात सुनना। जितने भी लेन देन होते हैं ना, उस लेन देन को हम जब रिकॉर्ड करते हैं कॉपी पर, तो किसी न किसी को हम रिकॉर्ड करते हैं डीआर साइड और किसी न किसी को हम रिकॉर्ड करते हैं सीआर साइड। यह मैं थोड़ी देर बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। फिलहाल हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि किसको रिकॉर्ड करेंगे डीआर साइड में, किसको रिकॉर्ड करेंगे सीआर साइड में। इसके लिए एक रूल्स बना हुआ है, उस रूल्स को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल, ठीक ना। जैसे पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, पर्सन या तो क्या होता है रिसीवर या फिर क्या होता है गिवर, या तो लेने वाला होगा या देने वाला होगा। रिसीवर हमेशा क्या होगा डीआर और गिवर हमेशा क्या होगा सीआर। अब नेक्स्ट बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, वस्तु। वस्तु या तो क्या होगी, आएगी या फिर क्या होगी, जाएगी। जो आता हो क्या होता है डीआर, जो जाता हो क्या होता है सीआर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लास्ट क्या होता है आपका नॉर्मल अकाउंट। इसमें दो ही बातें तो होती हैं, एक्सपेंस लॉस या फिर इनकम और गेन। एक्सपेंस लॉस हमेशा क्या होगा डीआर, इनकम गेन हमेशा क्या होगा सीआर। क्लियर है ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, ऑल इनकम और गेन विल बी क्रेडिटेड। आइए अब हम देखते हैं इसकी रिकॉर्डिंग कैसे कैसे की जाती है। मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, रिसीवर क्या होता है डीआर, गिवर क्या होता है सीआर। जितने भी एक्सपेंस होंगे और लॉस होंगे वो क्या होगा आपका डीआर। जितने भी इनकम होंगे और गेन होंगे वो क्या होगा आपका सीआर। व्हाट कम्स इन, जो आता हो क्या होता है, व्हाट कम्स इन, जो आता हो क्या होता है डीआर। व्हाट गोज आउट, जो जाता हो क्या होता है सीआर। एक बार याद रखना, इन्हीं पे सारी की सारी अकाउंट्स बेस है,
इसलिए इस चीज़ों को बड़े ध्यान से समझने की आदत डालना, रटने की कोशिश मत करना। जो रिसीवर होगा वो क्या होगा? DR। जो गिवर होगा वो क्या होगा? CR। जितने भी एक्सपेंस होंगे, जितने भी लॉस होंगे, वो सब के सब क्या होंगे? DR। जितने भी इनकम होंगे, जितने भी गेन होंगे, वो सब के सब क्या होंगे? CR। व्हाट्स कम्स इन, जो आता है वो क्या होता है? DR। व्हाट्स गोज आउट, जो जाता है वो क्या होता है? CR। अब आइए मैं आपको सिखाता हूँ ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे कैसे की जाती है। जब भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो याद रखना हमारे कॉलम क्या बनेंगे। एक बनेगा हमारा डेट कॉलम, एक बनेगा हमारा पर्टिकुलर्स जिसमें हम डिटेल लिखेंगे। एक बनेगा लेजर फोलियो, बाद में बताऊंगा ये लेजर फोलियो क्या होता है जब इसका यूज होगा तो। और दो कॉलम होंगे अमाउंट के, एक कॉलम DR साइड के लिए और एक कॉलम किसके लिए? CR साइड के लिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं, कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट बिल्डिंग परचेज। बिल्डिंग परचेज ₹4,1,00,000। बिल्डिंग परचेज ₹4,1,00,000। आपने बिल्डिंग परचेज किया है, कितने की परचेज की है? ₹1,00,000 की। एक बात याद रखना, जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो ये मान के चलना आप कंपनी के अकाउंटेंट हो और किसके लिए काम करो? कंपनी के लिए काम करो। अब ज्यादा ध्यान देना, कंपनी ने क्या किया है? बिल्डिंग परचेज किया है, कितने रुपए की? ₹1,00,000 की। क्या आ रहा है? बिल्डिंग। जो आता हो क्या होता है? DR, याद है ना। और क्या जाएगा? कैश। जो जाता हो क्या होता है? CR, याद है ना। जो आता हो क्या होता है? DR। जो जाता हो क्या होता है? CR। अब इसको लिखते कैसे हैं? याद रखिएगा DR ऊपर लिखा जाएगा और CR नीचे लिखा जाएगा थोड़ा सा हटके, और 2 लगा के लिखा जाएगा। देखो कैसे लिखते हैं। बिल्डिंग हमारा आ रहा है, जो आता हो क्या होता है? DR। DR कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं, बिल्डिंग अकाउंट DR। कितने का आ रहा है आपका? ₹1,00,000 का। बिल्डिंग आ रहा है, जो आता हो क्या होता है? DR। क्या जा रहा है? कैश। नीचे लिखते हैं CR, साथ में क्या जोड़ते हैं? 2। क्या जा रहा है आपका? कैश जा रहा है। जो जाता हो क्या होता है? CR। कितना अमाउंट है आपका? ₹1,00,000 का। क्लियर है ना। फिर से देखना, DR ऊपर लिखते हैं, CR नीचे लिखते हैं। DR के नीचे थोड़ा हट के CR लिखा जाता है और CR लिखने के पहले क्या जोड़ देंगे? 2, ताकि दोनों अलग अलग दिख सके, किसको आपने DR किया है, किसको आपने CR किया। एक एग्जांपल और लेते हैं। आपने फर्नीचर परचेज किया है, आपने क्या परचेज किया है? फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर परचेज ₹4,01,00,000। आपने फर्नीचर परचेज किया है, कितने का? ₹1,00,000 का। अब बताओ आपके पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, जो आता हो क्या होता है? DR। क्या जाएगा? कैश। जो जाता हो क्या होता है? CR। यानी इनकी क्या हो जाएगी? DR कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट DR। और क्या जा रहा है आपका? कैश। जो जाता हो कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो याद रखना, DR ऊपर लिखा, CR नीचे लिखा थोड़ा सा हटके, और पहले क्या जोड़ दिया? 2। फर्नीचर आ रहा है, जो आता हो क्या होता है? DR। कैश आपका जा रहा है, जो जाता हो क्या होता है? CR। अमाउंट कितना था? ₹1,00,000। DR में लिख दिया और ₹1,00,000 कहाँ लिख दिया आपने? CR में लिख दिया। याद रखिए बात, ना मैंने कहा था ना, इसी पर सब कुछ बेस है। रिसीवर क्या होता है? DR। गिवर क्या होता है? CR। एक्सपेंस लॉस क्या होता है? DR। इनकम गेन क्या होता है? CR। जो आता है DR, जो जाता है CR। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, रेंट पेड। आपने रेंट पेड किया है, रेंट पेड ₹4,30,000। आपने रेंट कितना पे किया है? 30,000 पे किया। अब मेरी बात सुनो, रेंट क्या आपके लिए एक्सपेंस है? एक्सपेंस क्या होता है? DR। और क्या गया आपका? कैश। जो जाता हो क्या होता है? CR।
एंट्री क्या हो जाएगी, डीआर कहाँ लिखते हो, ऊपर लिखते हो रेंट अकाउंट डीआर, और क्या गया आपका कैश, जो जाता है वो क्या होता है सीआर, सीआर कहाँ लिखते हैं नीचे लिखते हैं, रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डीआर, और क्या गया आपका कैश, जो जाता है वो क्या होता है सीआर। ऐसा भी तो हो सकता है आपने अपना मकान किराए पे दिया है, वहां से आपको रेंट रिसीव होगा, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव फोर रुपीज वन लैख, आपको रेंट रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है 1 लाख रुपीज रिसीव हो रहा है। अब देखो आपके पास आएगा क्या, आप ये मत देखना रेंट आएगा, रेंट नहीं आता है, रेंट के बदले में कैश आता है, कैश आ रहा है, जो आता है वो क्या होगा डीआर, और रेंट आपके लिए क्या है इनकम है, इनकम क्या होता है सीआर, याद है ना, इनकम क्या होता है आपका सीआर होता है, क्या आ रहा है कैश, रेंट आपको रिसीव हुआ है कितना 1 लाख रुपीज, क्या आ रहा है आपका कैश आ रहा है, जो आता है वो क्या होता है डीआर, और रेंट आपके लिए क्या है इनकम है, इनकम क्या होता है सीआर, अमाउंट कितना था आपका 1 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज, क्लियर है ना, रेंट आपके लिए इनकम है, इनकम क्या होता है सीआर, और क्या आएगा कैश, जो आता है वो क्या होता है डीआर। नेक्स्ट बात करते हैं कमीशन पेड, आपने कमीशन पेड किया है, कमीशन पेड रुपीज 10,000, तो कमीशन आपने पेड किया है, कमीशन आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डीआर, और क्या गया आपका कैश, जो जाता हो क्या होता है सीआर, तो कमीशन आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डीआर, क्या गया आपका कैश, जो जाता हो क्या होता है सीआर, अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 10,000 और कितना हो जाएगा आपका 10,000। नेक्स्ट बात करते हैं फर्नीचर सोल्ड, आपने फर्नीचर क्या किया सोल्ड कर दिया, फर्नीचर सोल्ड, आपने जो फर्नीचर खरीदा था शायद वो फर्नीचर अब बेकार हो गया है, आप उसे क्या करो बेच रहे हो, फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज 50,000, आपने फर्नीचर सोल्ड कर दिया, कितने में सोल्ड कर दिया आपने 50,000 में, आपने क्या किया सोल्ड कर दिया। अब बताओ क्या जाएगा फर्नीचर, जो जाता हो क्या होता है सीआर, क्या आएगा कैश, जो आता हो क्या होता है डीआर। आइए करते हैं एंट्री क्या हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डीआर, क्या आएगा कैश आएगा, जो आता हो क्या होता है डीआर, और क्या जाएगा आपका फर्नीचर, फर्नीचर आपका जाएगा, जो जाता हो क्या होता है सीआर। कितना अमाउंट हो गया आपका 50,000 और कितना 50,000, क्लियर है ना, मैंने उसी पे बात कर रहा हूँ, रिसीवर क्या होता है डीआर, गिवर क्या होता है सीआर, एक्सपेंस लॉस क्या होता है डीआर, इनकम गेन क्या होते हैं सीआर, जो आता है डीआर, जो जाता है सीआर, ठीक है ना। और देखते हैं नेक्स्ट बनाते हैं सैलरी पेड, आपने सैलरी पेड किया है, सैलरी पेड फॉर रुपीज 1 लाख रुपीज, आपने सैलरी कितना पे किया है 1 लाख रुपीज पे किया, फिर वही बात है सैलरी आपके लिए क्या है एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डीआर, और क्या गया आपका कैश, जो जाता हो क्या होता है सीआर, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डीआर, और क्या गया आपका कैश, जो जाता हो क्या होता है सीआर। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांस सैलरी पेड, एडवांस सैलरी पेड, आपने क्या किया है एडवांस सैलरी पेड किया है, एडवांस सैलरी पेड फॉर रुपीज 30,000, आपको याद है ना आपने किसी को एडवांस दिया है, एडवांस देना याद रखना, एडवांस देना
गिवर के लिए क्या होता है? एसेट होता है। एडवांस गिवर के लिए क्या होता है? एसेट्स। और एसेट हमेशा क्या होता है? डीआर। अब बात यह है कि गिवर के लिए एडवांस क्यों होता है? अब बात यह है कि गिवर के लिए एडवांस एसेट क्यों होता है? तो याद रखिएगा, अगर आपने किसी को एडवांस पैसा दिया है तो आप गिवर हो, एडवांस दिया है। अगर सामने वाला काम ना करे तो आप उससे पैसे वापस मांगोगे ना, इसीलिए क्या होता है? गिवर के लिए एडवांस क्या होता है? एसेट। एसेट क्या होता है? हमेशा ही डीआर। और जो रिसीवर होता है उसके लिए लायबिलिटी होता है। जो रिसीवर होता है उसके लिए क्या होता है? ये लायबिलिटी होता है। और लायबिलिटी क्या होता है? सीआर। याद रखिए बात ना, रिसीवर के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। क्यों? अगर आपने किसी से एडवांस लिया है तो आप रिसीवर हो, तो आपके मन में ये डर है अगर आपने काम नहीं किया तो पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। इसीलिए याद रखिएगा, एडवांस गिवर के लिए क्या होता है? एसेट। और रिसीवर के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। रिसीवर के लिए लायबिलिटी क्यों होता है? क्योंकि उसे डर होता है अगर उसने एडवांस लिया और काम नहीं किया तो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो याद रखिए बात ना, एडवांस गिवर के लिए एसेट होता है, एसेट क्या होता है? डीआर। रिसीवर के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? सीआर। ठीक है, आइए करते हैं एंट्री। तो एडवांस सैलरी आपने पेड किया, आप क्या हो? गिवर। आपके लिए क्या ये एसेट है, एसेट क्या होगा? डीआर। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एडवांस सैलरी अकाउंट डीआर। क्या गया आपका? कैश। जो जाता हो क्या होता है? सीआर। यानी आप शुरू में ना किसी भी एंट्री को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, आप देखिएगा आप उसे डीआर क्यों कर रहे हो और सीआर क्यों कर रहे हो। क्लियर है ना? एडवांस सैलरी आपने दिया है, आप गिवर हो, आपके लिए क्या ये एसेट है, और क्या गया आपका? कैश। जो जाता हो क्या होता है? सीआर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एडवांस एडवांस रेंट रिसीव्ड। इस बार आपने क्या किया? एडवांस रेंट रिसीव किया है। एडवांस रेंट रिसीव्ड रुपीज 10,000 रुपीज। आपने एडवांस रिसीव किया है ना, और याद है ना, एडवांस लेना रिसीवर के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होता है? सीआर। तो आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। जो आता, अगर आपने एडवांस लिया तो आपके पास आ क्या रहा है? कैश। जो आता वो क्या होता है? डीआर। और एडवांस रेंट लेना रिसीवर के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होता है? सीआर। तो कैश अकाउंट डीआर टू एडवांस रेंट, एडवांस रेंट सीआर होगा क्योंकि आपने रिसीव किया है। और एडवांस लेना क्या होता है? रिसीवर के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो याद रखिए बात इस बात को, एडवांस गिवर के लिए क्या होता है? एसेट। एसेट क्या होता है? डीआर। और रिसीवर के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। और वो क्या होगा? सीआर। गिवर के लिए एसेट क्यों होता है? क्योंकि उसे पता है अगर काम नहीं हुआ तो पैसे वापस मांग लूंगा। तो एसेट क्या होता है? जो मेरे पास है वो एसेट है, और जो मैं लोगों से अपना मांगता हूँ वो भी क्या है? एसेट है। रिसीवर के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों होता है? क्योंकि इसे डर है अगर इसने काम नहीं किया तो पैसा वापस करना पड़ेगा। और लायबिलिटी क्या होता है आपका? सीआर होता है। तो आपने यहाँ पे एडवांस रेंट रिसीव किया था, क्या आ रहा है? कैश। जो आता है वो क्या होता है? डीआर। एडवांस रेंट क्या है इनके लिए? लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होगा? सीआर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 30,000। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 30,000। जा सुनना, इसका मतलब ये हुआ, ड्यू तो हो गया, किसी ने आपके लिए काम कर दिया, सैलरी ड्यू हो गया यानी अब आपको देना है, लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया। पेमेंट तो करोगे, चाहे आज करो, चाहे 10 दिन बाद करो, चाहे 1 महीने बाद करो, है तो आपके लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? डीआर। सैलरी क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है।
एक्सपेंस क्या होता है डीआर। अगर आपने पेमेंट कर दिया होता तो यहाँ क्या लिखता टू कैश, अगर पेमेंट नहीं किया तो वो चीज आपके लिए क्या बन गया लाइबिलिटी, क्योंकि आपको देना बाकी है, चाहे आज दो चाहे 10 दिन बाद दो, और जो चीज बाकी है वो चीज क्या बन जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग। याद है ना लाइबिलिटी क्या होता है सीआर। फिर से बात करते हैं सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डीआर। अगर पेमेंट कर दिया होता तो क्या लिखता मैं यहाँ पर टू कैश, लेकिन पेमेंट नहीं किया तो यही सैलरी आपके लिए क्या बन गया सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी बकाया हो गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या है लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्या होता है सीआर। क्लियर है ना। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू तो हो गया यानी बकाया हो गया लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करना तो पड़ेगा, आज करो 10 दिन बाद करो 5 महीने बाद करो, है तो आपके लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है डीआर, पेमेंट नहीं करोगे तो वही चीज आपके लिए क्या बन जाएगी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होता है सीआर। क्लियर है ना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वेजेस, मतलब मजदूरी। वेजेस पेड फॉर रुपीज 1 लाख, वेजेस पेड फॉर रुपीज 1 लाख। आपने वेजेस पेड किया है, कितना परचेज किया है, कितना पेड किया है 1 लाख रुपीज। तो वेजेस आपके लिए क्या है एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डीआर, क्या जाएगा आपका कैश, जो जाता हो क्या होता है सीआर, इनकी क्या हो जाएगी वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश। कितना अमाउंट हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज, और कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट बात करते हैं अपने रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। आपने रेंट किसको पे किया है लैंडलॉर्ड को पे किया है, तो रुपीज कितना आपका 50,000। तो रेंट आपके लिए क्या है एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डीआर, और क्या गया आपका कैश, जो जाता हो क्या होता है सीआर। क्लियर है ना। रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डीआर, और क्या गया आपका कैश, जो जाता हो क्या होता है सीआर। नेक्स्ट बात करते हैं अपने गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 1 लाख, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 1 लाख। आपने गुड्स परचेज किया है, कितने का परचेज किया आपने 1 लाख रुपीज का, क्या किया गुड्स आपने परचेज किया। अब मेरी बात सुनो, गुड्स किसको बोलते हैं बिजनेस जिस चीज में डील करता है, जिस चीज को बाय सेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं गुड्स बोलते हैं। और एक बात याद रखना, जब बात गुड्स की हो ना तो हम गुड्स का नाम ही लिखते हैं, वहां पर क्या लिखते हैं परचेज। जैसे आपको याद है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने बिल्डिंग परचेज किया था, वहां आपने बिल्डिंग का नाम लिखा था, आपने फर्नीचर परचेज किया था, आपने फर्नीचर का नाम लिखा था। लेकिन अगर बिजनेस गुड्स परचेज करें तो वहां पर हम गुड्स का नाम लिख के क्या लिखते हैं परचेज लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है परचेज, या आप ऐसे बोल सकते हो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डीआर, और हमारा क्या जा रहा है कैश जा रहा है, जो जाता हो क्या होता है सीआर। क्लियर है ना। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डीआर, और क्या जा रहा है हमारा कैश, जो जाता हो क्या होता है सीआर। एक और लिखते हैं, मैं थोड़ा सा अंतर कर रहा हूं, जरा देखना क्या मैं लिख रहा हूं। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 1 लाख, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 1 लाख। फ्रॉम राम, अब मेरी बात सुनो, अगर बात परचेज या सेल की हो, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूं अगर बात परचेज और सेल की हो और पार्टी का नाम लिखा हो, और पार्टी के नाम के आगे या पीछे
कैश नहीं लिखा हुआ, पार्टी के नाम के आगे या पीछे कैश न लिखा हुआ, हम इन्हें मानते हैं ऑन क्रेडिट। ऐसे केस में हम इनके क्या मानते हैं, ऐसे केस में हम इन्हें मानते हैं ऑन क्रेडिट, यानी आपने गुड्स उधार खरीदा है। फिर से मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बात परचेज और सेल की हो, पार्टी का नाम लिखा हो, पार्टी के नाम के आगे या पीछे कैश न लिखा हो, तो हम क्या मानते हैं ऑन क्रेडिट। क्लियर है ना। अब मेरी बात सुनो, गुड्स परचेज तो किया गया है, परचेज में ही क्या है एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है डीआर। कितना अमाउंट था आपका 1 लाख रुपीज, लेकिन ऑन क्रेडिट है यानी मैंने पेमेंट नहीं किया, तो हम क्या देखेंगे, हमने परचेज किससे किया है, राम से। राम क्या है गिवर, और गिवर क्या होता है सीआर, याद है ना। रिसीवर क्या होता है डीआर, और गिवर क्या होता है सीआर। तो परचेज मेरे लिए एक्सपेंस था, एक्सपेंस क्या होता है डीआर, राम क्या है गिवर, और गिवर क्या होता है सीआर। तो याद रहेगी बात, पार्टी का नाम हो, नाम के आगे पीछे कैश ना हो, तो हम क्या मानेंगे ऑन क्रेडिट। और फिर से एक देखते हैं, थोड़ा सा मैं अंतर कर रहा हूं, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 1 लाख, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 1 लाख फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 1 लाख फ्रॉम राम ऑन कैश। अब यहाँ साफ साफ लिख दिया गया परचेज कैसे किया गया है, कैश में किया गया है, तो अब मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा डीआर, और मेरा क्या जा रहा है कैश, जो जाता है वो क्या होता है सीआर। यहाँ पर हमें पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। इंटी क्या हो जाएगी हमारी परचेज, परचेज हमारे लिए क्या है एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डीआर, और क्या जा रहा है कैश, जो जाता है वो क्या होता है सीआर। अमाउंट कितना होगा आपका 1 लाख रुपीज, और कितना हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, गुड सोल्ड, गुड सोल्ड फॉर रुपीज 1 लाख, गुड सोल्ड फॉर रुपीज 1 लाख। आपने गुड सोल्ड किया है, कितने रुपए का गुड सोल्ड किया है 1 लाख रुपीज का, आपने गुड्स क्या किया सोल्ड किया। अब मेरी बात देखो, क्या जा रहा है सेल, याद है ना, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स का नाम ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं परचेज, और जब हम गुड्स सेल करेंगे तो वहां पर गुड्स का नाम ही लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे सेल मेरा जा रहा है, क्या आएगा कैश, जो आता हो क्या होता है डीआर, कैश मेरे पास आएगा, जो आता हो क्या होता है डीआर, और क्या जा रहा है सेल, सेल जा रहा है, जो जाता हो क्या होता है सीआर। ये ऐसे हम बोल सकते हैं सेल मेरे लिए इनकम है, इनकम क्या होगा सीआर, और हमारे पास क्या आ रहा है कैश आ रहा है, जो आता हो क्या होता है डीआर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, गुड सोल्ड, फॉर रुपीज 1 लाख टू रमेश, आपने गुड सोल्ड किया है, किसको गुड सोल्ड किया है रमेश को। फिर वही बात है, मैंने कहा था ना अगर परचेज और सेल हो और वहां पर पार्टी के नाम के आगे या पीछे कैश ना लिखा हो तो हम क्या मानते हैं ऑन क्रेडिट। तो आपने सेल तो किया है, सेल में इनकम है, इनकम क्या होता है सीआर, लेकिन कुछ आएगा नहीं क्योंकि ऑन क्रेडिट है, तो हम क्या देखेंगे, हमने सेल किसको किया रमेश को, तो रमेश यहाँ पर क्या है रिसीवर है, रिसीवर क्या होता है डीआर। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी रमेश अकाउंट डीआर, एंट्री क्या हो जाएगी आपकी रमेश अकाउंट डीआर, टू क्या हो जाएगा आपका सेल, सेल आपके लिए इनकम है, इनकम क्या होगा सीआर, और हमने किसको सेल किया है रमेश को, रमेश यहाँ पर क्या है रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है डीआर। क्लियर है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी भी एंट्री को आप याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप उसे देखिएगा आप उसे डीआर क्यों कर रहे हो और सीआर क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं 18, गुड सोल्ड, गुड सोल्ड
4 rupees 30,000, 2 MS 10,000 cash आपने सेल किया है रमेश को, सेल कैसे किया है कैश में। अब मेरी बात सुनो, अब हमें यहाँ पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सेल मेरा जा रहा है, जो जाता हो क्या होता है सीआर, या ऐसे बोल सकते हैं सेल मेरी इनकम है, इनकम क्या होगा सीआर, और मेरे पास क्या आएगा कैश, जो आता हो क्या होता है डीआर, एंट्री क्या हो जाएगी आपकी कैश, कैश अकाउंट डीआर कितना होगा आपका 30,000 और 2 क्या जाएगा मेरा सेल, जो जाता हो क्या होता है सीआर। क्लियर है ना, कैश मेरे पास आ रहा है, जो आता हो क्या होता है डीआर, सेल मेरा जा रहा है, जो जाता हो क्या होता है सीआर। नेक्स्ट बात करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹5 lakh, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹5 lakh। अब हम लोग तो अकाउंटेंट हैं, बिजनेस शुरू किसने किया होगा, ऑनर ने, ऑनर क्या हो गया गिवर, और गिवर क्या होता है सीआर। याद रखना जब हम अकाउंटिंग करते तो ये मान के चलते हैं बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस शुरू किया गया है कितने से 5 lakh rupees में, तो बिजनेस में क्या आ रहा है कैश आ रहा है, जो आता हो क्या होता है डीआर, जो आता हो क्या होता है डीआर। देने वाला कौन है ऑनर, ऑनर क्या है गिवर, गिवर क्या होता है सीआर। और पता है ना ऑनर को हम रिप्रेजेंट किस नाम से करते हैं, कैपिटल के नाम से करते हैं, ऑनर को हम रिप्रेजेंट किस नाम से करते हैं कैपिटल के नाम से करते हैं। फिर से बात सुनना, बिजनेस शुरू हुआ है कितने रुपए शुरू हुआ है 5 lakh rupees से शुरू हुआ है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है कैश आ रहा है, जो आता हो क्या होता है डीआर, देने वाला कौन है ऑनर, ऑनर क्या है गिवर, गिवर क्या होता है सीआर, और ऑनर जो देता है उसे क्या बोलते हैं कैपिटल, इसीलिए कैपिटल क्या हो जाएगा आपका सीआर हो जाएगा। इंटी याद करने को इस मत करना कि कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल होता है, आप ये देखोगे कैश क्यों डीआर कर रहे हो, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, जो आता हो क्या होता है डीआर, देने वाला कौन है ऑनर, ऑनर क्या है गिवर, गिवर क्या होता है सीआर, और ऑनर जो देता है उसे क्या बोलते हैं कैपिटल, इसलिए क्या होगा कैपिटल सीआर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹5 lakh, बिल्डिंग 3 lakh, बिल्डिंग 3 lakh एंड मशीन 1 lakh, एंड मशीन 1 lakh। अब मेरी बात सुनना, हमारे पास क्या आ रहा है 3 चीजें आ रही है, क्या क्या आ रहा है कैश आ रहा है, कैश कितना आ रहा है 5 lakh rupees, और क्या आ रहा है बिल्डिंग आ रहा है, बिल्डिंग कितना आ रहा है आपका 3 lakh rupees, और क्या आ रहा है मशीन आ रहा है, मशीन कितना आ रहा है आपका 1 lakh rupees। मालिक ने क्या किया है 3 चीज से बिजनेस शुरू किया, मालिक कैश भी लेके आ रहा है, बिल्डिंग भी लेके आ रहा है और मशीन भी लेके आ रहा है, तो जो आता हो क्या होता है डीआर, देने वाला कौन है ऑनर, ऑनर क्या है गिवर, गिवर क्या होता है सीआर, और ऑनर जो देता है उसे किस नाम से बोलते हैं कैपिटल के नाम से बोलते हैं। कितना हो गया 5, 3, 8 और 1 कितना हो गया 9 lakh rupees हो गया। एक और देखते हैं, बिजनेस स्टार्टेड
बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 5 लाख रुपीज एंड बैंक 3 लाख रुपीज। बैंक किसको बोलते हैं? जो पैसा हमारा कहाँ पड़ा हुआ है अकाउंट में, उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। तो दो चीजें आ रही है, क्या क्या आ रहा है? एक तो कैश आ रहा है, एक क्या आ रहा है? बैंक आ रहा है। जो आता हो क्या होता है? डीआर। कैश कितना आ रहा है? 5 लाख रुपीज। बैंक कितना आ रहा है? 3 लाख रुपीज। जो आता हो क्या होता है? डीआर। देने वाला कौन है? ऑनर। ऑनर क्या है? गिवर। गिवर क्या होता है? सीआर। तो ऑनर जो देता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? कैपिटल रिप्रेजेंट। इसलिए कैपिटल क्या होगा? सीआर होगा। क्लियर है ना? कुछ जनरल एंट्री हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना?